खुदावन यसुमसी की कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट कुलसुम इमैनुएल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। और बी द लाइट टेलीविज़न आज आपको एक सियासी जलसे में लेकर आया है और हमारे लिए ये एक बहुत ही खुश आइंद बात है कि एक बड़ी पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप ने, मिस्टर हुमायूं को, जो कि एक मसीही भाई हैं, उनको एक अपनी अक्सरियती नुमाइंदगी की तरफ से अकलियतों को एक सीट पर, यानी वॉइस चेयरमैन की सीट पर इलेक्ट करने का उन्होंने उनको टिकट दी है और ये हमारे लिए खुश आइंद बात है। और सारे जो कम्युनिटीज़ हैं वो इस बात का खैर मकदम करते हैं। आज हम, क्योंकि यहाँ पर हुमायूं की सारी ये जो इलेक्शन कम्पेन है, बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें हम उसको कवरेज करने आए हैं और हम आपको ज़रूर दिखाते चलेंगे कि यहाँ पर लोग कितने ज़्यादा हुमायूं को पसंद करते हैं और मुस्लिम लीग नून के इस जो ये उन्होंने कदम उठाया है उसका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं हुमायूं के बारे में लोगों की क्या राय है और हुमायूं इसको कैसे देखते हैं और लोग उनसे क्या उम्मीद रखते हैं। हम आपको ये भी बताते चलें कि हम ये चाहते हैं और ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि अगर इसी तरह से, जिस तरह से अभी बल्दियाती इलेक्शनों में ये सिलसिला जारी हुआ है, उसी तरह से मेन स्ट्रीम में हमारे लोग आएँ और अक्सरियती सीट्स पर भी अकलियती नुमाइंदे जो हैं वो आकर अपने टिकट्स दें और अपनी नुमाइंदगी का इजहार करते हैं। देखते रहिए बी द लाइट टेलीविज़न और हम आपके साथ रहेंगे इलेक्शन कम्पेन में भी। थैंक यू। इस वक्त हम मौजूद हैं यूसी नंबर 9 में, पहाड़गंज, यहाँ पर हम मौजूद हैं और ये बहुत बड़ी अक्सरियती यहाँ पर जो आबादी है वो मसीही आबादी है, ऐसा ही है हुमायूं? और हुमायूं जो हैं हमारे साथ हैं और ये वॉइस चेयरमैन के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हुमायूं, सबसे पहले हमारी तरफ से, बी द लाइट टेलीविज़न की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो और हमारी बेस्ट विशेस भी आपके साथ हैं। जो इंटरफेथ हारमनी के आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स मुनक्किद करवाए और हम देखते हैं कि उसका एक अच्छा समर हमें आज देखने को मिल रहा है और आप आज अक्सरियती वोटों पर और अक्सरियती नुमाइंदगी पर खड़े हैं, अक्सरियती सीट पर, और ये एक बहुत ही खुश आइंद बात है। हम देख रहे हैं कि पब्लिक में आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपकी पसंदीदगी है और रुझान पाया जा रहा है आपको सपोर्ट करने का। आज के सारे प्रोग्राम के बारे में, ख़ास तौर पर अपनी इस इलेक्शन कम्पेन के बारे में और इंटरफेथ हारमनी के बारे में जो भी आप कहना चाहें, प्लीज़ ज़रा डिटेल से। मेरी तरफ से पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बी द लाइट टेलीविज़न का कि उन्होंने आए, उन्होंने टाइम दिया और हमारी इस कवरेज को कवरेज के लिए आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छा और पॉजिटिव साइन कम्युनिटी के लिए होने जा रहा है और उसको कवरेज मिल रही है। पिछले कुछ 2.5 साल से जो हमारी एक एफर्ट थी कम्युनिटी के लिए, पहाड़गंज के लिए, कि हमने पहाड़गंज में काम शुरू किया, यहाँ मसीही और गैर मसीही आबादियाँ साथ रहती है, पश्तून भाई हमारे साथ रहते हैं, तो हमारी कोशिश थी कि किसी तरीके से ये जो पहाड़गंज का एक इम्प्रेशन है, कटी पहाड़ी का, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने की एक इम्प्रेशन था। उसके ऊपर हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ यहाँ बैठ के इंटरफेथ हारमनी के प्रोग्राम्स किए, जिसका समर ये हमें मिला कि जो एक एक्सेप्टेंस जो हमारी कम्युनिटी के लिए आई है उसमें इस बार जो मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने, क्योंकि मेरा पहले से मुस्लिम नून के साथ एक वाबस्तगी थी और उन्होंने ये चाहा कि क्योंकि मेरी एक वाबस्तगी भी है और मुस्लिम नून के लिए मैं काम करूं और क्योंकि मैं एक दर्द रखता हूं अपनी कौम का और यहां एक मेजॉरिटी है जो वोट देती है, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें ताकि ये जो वोट बैंक है ये आप काम करके अच्छे तरीके से जो मेजॉरिटी का जो काम है, जो मेजॉरिटी के राइट्स हैं,
वही माइनॉरिटी के राइट्स हैं, तो आप वो राइट्स मेजॉरिटी में आके क्यों नहीं दे सकते। तो उसके लिए उन्होंने वाइस चेयरमैन की सीट मुझे दी है, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का, और जो हमारी सियासी क्यादत है सिंध की उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे ज़िले सदर असलम खटक साहब का, कामरान माइकल साहब का, जिन्होंने हमें सपोर्ट की इस सीट के लिए और जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। ज़बरदस्त। और हुमायूं, ये सारी आपकी एफ़र्ट्स हैं, क्योंकि हम देखते हैं आपने यहाँ पे गहवारा उलूम जैसी ख़ूबसूरत जो एक लाइब्रेरी और एक बैठक बनाई, और उसका उसके चर्चे दूर दूर तक हैं, और आपने कम्युनिटी को बहुत अच्छे से सर्व भी किया, और आपने जो दूसरी मेजॉरिटी लोग हैं उनको भी साथ ले कर चले, तो ये सारी आप वो सारी एफ़र्ट्स हैं जिनके जिनकी वजह से आपके साथ इतना मोहब्बत का इजहार है और पब्लिक आपके साथ है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे बहुत प्यार मिल रहा है मेरे लोगों से भी, और जो मुझे लगता था डर था कि हमारी शायद कम्युनिटी बहुत बटी हुई है, लेकिन मैं जहाँ जहाँ गया हूँ उन्होंने मेरे पुराने काम को, मेरे किए हुए काम को सराहाया है, उन्होंने मुझे हिम्मत दी है, उन्होंने कहा कि आप आगे आएँ, हम आपको वोट देंगे क्योंकि आप हमारे हकीकी नुमाइंदे हैं, आपने कोविड में हमारे साथ जिस तरह काम किया, आपने रिसोर्सेज ना होते हुए इतना काम किया, जब आपके पास रिसोर्सेज होंगे तो आप कितना काम करेंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पहाड़गंज की आवाम का भी, जिन्होंने अभी तक मुझे भरपूर साथ दिया है हमारा। ज़बरदस्त। और हुमायूं, हम आपसे बी द लाइट टेलीविज़न आपसे उम्मीद करता है कि जब आप जीते हैं तो आप ज़रूर सब लोगों को बगैर किसी मज़हब की तफरीक के सर्व करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा जो पैगाम है वो इंटरफेथ हार्मनी का है, प्यार मोहब्बत अम का है, और इसीलिए हम जो इस ये पैनल भी बना है वो क्रिश्चियन मुस्लिम और बिला किसी तफरीक के बनाए कि हम पूरे पहाड़गंज की खिदमत कर सकें, पहाड़गंज की तरक्की के लिए खिदमत कर सकें। थैंक यू सो मच हुमायूं। थैंक यू बी द टेलीविज़न। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ असलम खटक साहब हैं, एडवोकेट हैं और प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के। वेलकम करते हैं हम आपको हुमायूं के खूबसूरत जलसे में। शुक्रिया जी। असलम साहब, ये बताइए कि आज आप हुमायूं को सपोर्ट करने आए हैं और मुस्लिम लीग नून ने उनको एक टिकट दिया है, जो कि खुशाइंद बात है इंटरफेथ हारमोनी के लिहाज से, माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिहाज से, आप इस पर ज़रूर कुछ बात करें, और बाकी पार्टीज़ को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि मज़हब की तफरीक के बग़ैर लोगों को आगे आने दें और उनको अपने हकूक़ की लड़ाई में लड़ने का मौका दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से 28 मई 2022 जो हम योम तकबीर बनाते हैं उसके हवाले से पूरी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, साथ ही अपनी जो हमारी ख़ासकर क्रिश्चियन कम्युनिटी है और अकलीती कम्युनिटी उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि जी हमारे वकास हुमायूं वकास भाई जो हैं, यहाँ से हमने उनको चुनाव किया है, मैं बींग अ प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एंड पार्लिमानी कराची डिवीज़न बल्दियाती कमेटी का रुकन भी हूँ, उस हवाले से हमने ये हमारे यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं गुलफराज साहब जो हैं, मतलब जो मेज़बानी भी कर रहे हैं इनके साथ जॉइंट में हुमायूं वकास साहब के साथ, तो हमने एक मशावरत की कि ज़रूरी है कि हमें मतलब जो है एक हारमनी पैदा की जाए पूरे मुल्क के लिए, ताकि जो है ये तफरीक ख़त्म हो और जो वोट का जो हक है वो सही तरीके से जो है अवाम की नुमाइंदगी जो है वो आ सके, और अवाम के नुमाइंदे जीत के आएंगे तो जब ही जो इलाकाई सतह पर जो है वो उनका मामला जो हल हो सकेंगे। आप क्या समझते हैं कि बाकी जो जमायतें हैं वो इस जो ये वाला कदम है उसमें आगे हैं या अभी उनको आगे आने की ज़रूरत है? देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह आप भी समझते हैं, तकरीबन जो अकलीती कम्युनिटी है उनको रिज़र्व सीट्स के हवाले से ही लिया जाता है, मगर हमने कोशिश की है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कराची के अंदर ये फर्स्ट जो है एक एग्ज़ैम्पल बनी है कि जो तमाम पार्टीज़ के लिए भी है कि हर एक पार्टीज़ को चाहिए कि जो अकलीती कम्युनिटी है उसको जो है मेन स्ट्रीम लाइन में लाया जाए, ताकि जो है मुल्क की मामलात जो है सही तरीके से चल सकें। मैं समझता हूँ क्रिश्चियन कम्युनिटी ख़ासकर जो एजुकेशन के अंदर और हेल्थ सेक्टर के अंदर उनका बड़ा एक किरदार है, और उन्होंने तामीर और तरक्की के लिए एक बड़ा किरदार अदा किया है, और मैं ये भी मतलब इस पैगाम इस मौके पर देना चाहूँगा कि जो मुल्क जब बना
और मतलब क्रिएशन जब हुआ और आज तक तामीर तक उनका एक बड़ा एक रोल है, तो हम इस रोल को समझते हुए इसलिए हमने जो है इन्हें जो है इस सीट के ऊपर जो है लेकर आएँ, ताकि जो है आप लोग भी जो है अपनी कम्युनिटी के नुमाइंदों को ऊपर लेकर आएँ, ताकि आपके मुकामी सतह के ऊपर जो ये मसाइल हल हो सकें। बहुत शुक्रिया असलम साहब, और थैंक यू जी वेरी मच। फराज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो चेयरमैन के लिए यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। गुलफराज, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पूरी कौम को 28 मई यौम तकबीर के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दूसरी बात यह है कि हमाइयों भाई हमारे साथ वाइस चेयरमैन यूसी नोम है, तो ये बड़े मेहनत वाले हैं हमाइयों भाई, तो इसलिए हमने ये सोचा कि मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में जो वो है कमी है वो पूरी हो जाए, पूरी की जाए, तो हमने इसलिए हमाइयों भाई को वाइस चेयरमैन के लिए लिया इस यूसी से। तो हम चाहते हैं वो मेहनती भी है, काम भी करते हैं, इंशाल्लाह ये पहले भी करते हैं, जब ये यूसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनेंगे तो हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इससे भी डबल करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या हुमायूं लड़ने जा रहे हैं, तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून की जो है भारी अक्सरियत में जीत होगी? इंशाल्लाह जीत तो भारी अक्सरियत में होगी, क्योंकि ये जो हालात 3.5-4 साल के गुजरे हैं तो इसमें लोगों को बहुत बड़ा डचका लगा है, तो उसके हवाले से इंशाल्लाह लोग हमारी तरफ मुतवज्जो है, हमें वोट भी देंगे, इंशाल्लाह सपोर्ट भी करेंगे, पूरी उम्मीद है हमें इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। और गुलफराज साहब, अगर आप काम करेंगे, हुमायूं साहब अगर काम करेंगे, तो ज़रूर लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको वोट भी देंगे और आपको कामयाब भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बड़ी बात। कामयाब करें और ये मुल्क पाकिस्तान में इंसानियत की बेहतर तौर पर खिदमत कर सकें। इब्राहिम, यकूब और इसहाक के खुदा कुल कायनात के मालिक और खालिक, रब्बुल बादशाह अजीम लश्करों के खुदा, हम तेरा शुक्रिया तारीफ करते हैं खुदा। इस वक्त एक दम दुआ करता हूँ खुदा, जितने लोग आए हैं खुदा इस मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए, मुल्क पाकिस्तान में बसने वाली तमाम आवाम के लिए, हर मजहब हर नस्ल के लिए खुदाम आए हैं, यीशु के नाम से उन्हें चुन और कामयाब कर खुदाम, ताकि एक ना इस इलाका में शायद कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बेहतर तौर पर खिदमत कर सकें खुदाम। यीशु के नाम से इन दोनों भाइयों के लिए दुआ करते हो खुदाम, यीशु के नाम से ए खुदाम तूने कामयाबी उतार कर खुदाम, ताकि कामयाब होकर ए खुदाम इस लाका पहाड़गंज में इस यूसी में खुदाम तेरे लोगों की बेहतर तौर पर खिदमत कर सके खुदाम, इनके कैद के लिए दुआ करते हो खुदाम, उन्हें सेहत याबी उतार कर खुदाम, ताकि एक वो पूरे पाकिस्तान की बेहतर तौर पर खिदमत कर सके खुदाम। जिले के जनरल सदर के लिए दुआ करते हो खुदाम, उन्हें अकल और दानाई बख्श दे, और एक सिंध के जनरल सेक्रेटरी के लिए दुआ करते हो खुदाम, एक ना उन्हें तो खूब कामयाब कर, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा, उनकी सिखलाई तमाम तमाम सीखों। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, हमारे रोज़ की रोटी आज हम दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज को माफ़ करते हैं तुम हमारे कसूर माफ़ कर, हमें जमैश में ला बल्कि बरैसे बचा, बादशाह खुद जला हमेशा तक तेरा है, आमीन।
السلام علیکم. یہاں پر میں تمام علاقے کی اوپر مسلم لیگ کی قیادت کو ویلکم کرتا ہوں، خصوصی طور پر کرسچن کمیونٹی کی طرف سے. اور میں یہاں پر اس وقت متحدہ مسیحی کونسل کی مرکزی کمیٹی کا رکن ہونے کی حیثیت سے مسلم لیگ کے اس فیصلے کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں. تو اقلیتی نمائندوں کو انہوں نے جو ہے جنرل سیٹوں پہ لڑنے کے لیے جو ٹکٹ کا جو اجرا کیا ہے، ہم اس کو بہت خوش آئند دیتے ہیں اور توقع یہ کرتے ہیں کہ دوسری جماعتیں بھی جو ہیں اپنے یو سیز میں، ٹاؤنز میں اور سٹی میں جو ہے اسی طرح کے اقلیتی کمیونٹی کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹ دیں گے. اور نہ صرف یہ سلسلہ بلدیاتی انتخابات تک بلکہ یہ ضمنی انتخابات میں بھی جو ہے پارٹیاں اس فیصلے کو سوچ و بچار کی طرف لے کر جائیں. اور آج یہاں پر اس پروگرام میں جو ہماری کراچی سینٹر کی قیادت ہے، مسلم لیگ کی سندھ کی قیادت ہے، ہم ان کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ ٹکٹ کا اجرا کیا ہمایوں کے لیے. اور مسلم لیگ کی اس مقامی قیادت کو ہم اپریشیٹ کرتے ہوئے آج متحدہ مسیحی کونسل جو کہ سماجی اور سیاسی تنظیموں کا مجموعہ ہے، ہم کرسچن کمیونٹی کی اس اتحاد کی جانب سے بھی ہمایوں وقاص کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور جناب چیئرمین آپ سب کی حمایت کا بھرپور اعلان کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ خدا ان کو کامیابی عطا کا فرمائے اور آپ کی بہتر طور سے علاقے میں خدمت کر سکے. بہت شکریہ. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.